जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला आप खुद ही बताएं कि क्या कर रहे हैं जी, मुझे तो नाम नहीं आता जी। उसका। ये अपनी तर्ज का एक बिल्कुल ही मुनफरिद जो है ना ये काम है। तो ये कोस्टल एरियाज के अंदर लोग कर रहे होते हैं, तो ये अक्सर जो है ना ये कीचड़ के अंदर पाए जाते हैं। इसको ये समुद्र की एक स्पीशी है, इसको कहते हैं क्रैप्स। तो जी, क्रैप्स मतलब उर्दू में अगर बोले तो केकड़ा केकड़ा। केकड़ा। ओके तो केकड़े जो है ना ये पाले जाते हैं अक्सर जो है ना समुद्री इलाकों के अंदर। तो आपने पाले। अच्छा हाँ जी, अभी ये यहाँ पे ना हम लोग यहाँ पे वैसे सिंध के एरियाज में पाले जा रहे हैं। तो अभी हमने जो है ना इसके कुछ माल डाला है और कुछ जो है ना वो हार्वेस्ट भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए सबसे पहले यानी इनको पालने के लिए जगह का इंतखाब कैसा होना देखिए, चाहिए। जगह के लिए जो है ना वो जो हमारे जो सेम ज़्यादा जो इलाके होते हैं जो इसके लिए बिल्कुल मौजू माने जाते हैं, जो पानी के जो है ना तरसील वहाँ पे मौजूद हो और पानी का जो अखराज भी उसका यकीनी हो, क्योंकि इसको हर 2 महीने में महीने में जो है ना इसका पानी चेंज होता है। तो ये कुआं बनाया जाता है जी बिल्कुल, ये उसी तर्ज का जिस तरह हम जो है ना फिश पाल रहे होते मछली हैं, पाल रहे, मछली पाल रहे हो, थैला वगैरह जो उसी तरह का पालते हैं। यानी तालाब बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, कच्चा तालाब। कच्चा तालाब है तो इसका जो बच्चे होते हैं, ये सीड होते हैं, ये जी। कहाँ से लेते हैं। ये कच्चे सीड्स जो है ना इसके जो मिल जाते हैं ये आप हमारे कराची के अंदर मिल जाते हैं, कोरंगी में मिल जाते हैं। इसी तरह जो है वो फिशरी फिश फिश जहाँ पे जो है ना लोग पकड़ते हैं इसको ट्रैप करते हैं वहाँ से मिल जाते यानी हैं। जैसे फिशरीज बनी हुई है वैसे इनके जी भी जी वो बने हुए बिल्कुल वहां से। तो बिल्कुल, ये कितने का एक सीड होता है। ये तकरीबन जो है वो ये भी इनसार होता है इसके अपने मौसम के ऊपर। तो जैसे ही अभी जैसे सर्दी आएगी जिस तरह हमारी फिश की सीड्स बढ़ जाते हैं, इस तरह इनके जो है ना जो क्रैबलेट्स होते हैं इनकी भी अपनी कीमत होती है। कम से कम 300 है, 500 है। जैसे हमारे जो मुर्गियाँ होती है इसमें भी ग्रेड होते हैं, इसमें भी दर्जाबंदी है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतने अच्छे रेट होंगे, और जितने अच्छे रेट होंगे उसको हम जब फैटनिंग करके जब हार्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से रेट भी उसको अच्छे मिलते हैं। इसको कितने अरसे में जवान किया जाता है। ये तकरीबन समझिए ये 3 से 4 महीने का अरसा जो है ना इसको लग जाता है। बेस्ट टाइम क्या है जब इसको पाले। बेस्ट टाइम होता है बारिश के बाद का, जो आप ना अपने तालाब में इसको रख लें। तो तालाब में जो पानी का इंतजाम है वो कुदरती ही होना चाहिए या आर्टिफिशियल भी किया जा सकता है। अगर आप इसको फ्रेश वाटर में अगर आप रख रहे हैं तो ये भी पाला जा सकता है, मौजू माना जाता है इसको। मौजूद माना जी, जाता। तो इसकी खुराक क्या होती है। खुराक होती है ड्राई फिश होती है, गले सड़ी मछलियाँ होती है, मछलियों की बाकियात होती हैं, और जो भी आपके पास मछली की जो उनकी जो बाकियात होती है, जो चीज़ उनके अंतड़ियाँ मैसर हो, जो सस्ती सस्ती हो, ये हर चीज़ खा के जो है ना ये अपना वज़न बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको प्रोटीन की ज़रूरत है। कार्निवरस होते हैं ये, गोश्तखोर होते हैं। तो इनको बीमारी भी लगती है। जी हाँ, इनको बीमारियाँ होती हैं, तो इस बीमारी की तदारुक के लिए भी जो है ना वो माहिरीन है अभी। बल्कि आपने बीमारियों से अच्छा याद दिलाया कि हमारे यहाँ अभी इमरान खान साहब की हुकूमत में खास कर ने ये एक्वा कल्चर के हवाले से इसके अंदर बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, खासकर उन कोस्टल एरियाज में जो सेम ज़्यादा ज़मीन है, तो वो अक्सर काश्त तो कर नहीं सकते, तो इसके लिए ये आइडियल मानी जाती है। अगर वो बहुत से लोग अगर आपकी वीडियो से जो है ना तवज्जो से अगर वो इस तरफ आते हैं और ये करते तो ये उनकी माशी हालत को भी बेहतर करेगी और मुल्क में ज़र मुबादला के लिए भी हमारे लिए जो है ना ये बेहतर होगा। तो एक केकड़ा पालने के लिए जगह जी, कितने स्क्वायर फीट रिक्वायर है। ये तकरीबन आप समझे 1 एकड़ जो है ना आपको पाउंड चाहिए होगा, इसमें आप तकरीबन 2,000 के करीब आप रख सकते हैं। अच्छा, यानी जी मछली अगर हम रखते हैं तो वो 1,000 होती है एक एकड़ जी में, जी बिल्कुल तो ये 2,000 रखे जा जी, सकते दो हैं। हज़ार रखे जा सकते हैं। जब हम इसका बच्चा परचेज करते हैं तो उसका वजन अप्रोक्सीमेटली कितना ये होता है तकरीबन हो जाता होगा तकरीबन 120 ग्राम, इस तरह डेढ़ एवरेज सौ सौ ग्राम ग्राम है। जी, अच्छा। और जब हम इसको 3 से 4 महीने में जवान करके फरोख्त करते हैं उस वक्त इसका वजन कितना ये होता है। तकरीबन जो है ना 800 ग्राम से लेके अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी है वो कम से कम 1,000 ग्राम, 1,000 ग्राम। 1,000 ग्राम ओके। और इस पे 3-4 महीने में एक बच्चे को पालने पे कितना एक्सपेंस आ जाता है ये मैम। तकरीबन जो है वो मेरे पास अभी इसका हिसाब नहीं है। मैं इंशाल्लाह जब आप कभी आएंगे ना तो आपको पूरा प्रैक्टिकली करके इसका पूरा, अभी तो एक अचानक से सिलेक्ट इंटरव्यू करना। लेगी। जी जी बिल्कुल, तो ये तकरीबन आप समझे एक बच्चे के ऊपर 100 से 200 रुपये का जो है ना
खर्चा आ सौ जाता से है। दो सौ के दरमियान। हाँ यानी कि आप समझ लें आप जो डालते हैं उससे 2% आपको पैसा इंशाल्लाह लजीज जो है ना वो उसकी मत में आ जाता है। कैश कैश क्रॉप है आप अच्छा, समझ। कैश क्रॉप है, इसमें जी क्रेडिट तो नहीं होता? इसमें क्रेडिट नहीं होता जिस तरह मछलियों में नहीं होता क्रेडिट, इस तरह इसमें क्रेडिट अच्छा, नहीं होता। ये इसका जो सेल है, एक जी 1 kg का जो केकड़ा है वो जी कितने में फरोख्त हो जाता ये है? तकरीबन 900 रुपये में भी हो जाता है, अगर आपके मार्केट मौजूद है तो 1000 रुपये में भी हो जाता हो है। जाता है जी एक केकड़ा 1 kg का, यानी 100 ग्राम का हमने लिया, 900 ग्राम जी हमने उसमें वैल्यू ऐड की, और उस पर जो खर्च आया 300 रुपये का तो हमारा जी बच्चा हुआ, बच्चा हो गया और 100 से 200 रुपये के दरमियान ये बिल्कुल खा गया, हम 200 ही लगाते हैं, 200 लगाना तो यानी 500 रुपये में हमारा एक केकड़ा तैयार बिल्कुल होता है। तैयार हो अगर गया हम इसको बल्क में बेच रहे हैं तो 900 रुपये में जा सकता है, बिल्कुल जा 400 रुपया सकता है एक बिल्कुल। केकड़ा बचा सकते हैं। 400 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2000 के साथ तो तकरीबन 8 लाख रुपया बचता है। अगर बिल्कुल 4 महीने की ये क्रॉप है तो 8 लाख रुपया, 2 लाख रुपया पर मंथ हमें बचत आ सकती है, अगर बिल्कुल हमने इसकी सही केयर की सही तो। केयर की तो सही केयर की तो। और हम इसमें मोर्टेलिटी रेशो क्या होती है? मोर्टेलिटी तो इतना ही है अगर इसकी फुल केयर की जाए और इसका पानी को चेंज किया जाए, क्योंकि पानी है ना इसका रंग तब्दील होता है अपने वक्त के अतबार से, कभी जो है ना वो यहाँ पे कभी नमी रह जाती है इस वजह से, तो इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है। जी बिल्कुल ये अल्लाह के फ़ज़ल से। 1 एकड़ पे 2000 यानी पाला जा सकता है, जी और 500 रुपया खर्चा है, यानी 2000 ज़रब 500 जी 10 लाख रुपया यानी इन्वेस्टमेंट है। हाँ बिल्कुल दस ऐसे ही लाख रुपये 1 एकड़ पे इन्वेस्टमेंट है, और 10 लाख पे हम यानी तकरीबन 8 लाख रुपया 4 महीने में कमा सकते चार हैं, महीने यानी काम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 2 लाख रुपया महीना बिल्कुल हम कमा सकते हैं इंशाल्लाह मेहनत करके। मेहनत करके। लेकिन ये जो क्रॉप है ये है उन इलाकों की जहाँ समंदरी यानी जो साहिली इलाके साहली हैं, इलाके हैं या फिर बिल्कुल सेम वाले जो इलाके हैं सेम वहाँ वाले पे इलाके इसको जो हैं ज़्यादा किया जा सकता है। जी। और जब बलूचिस्तान में जो हमारे भाई रहते हैं वो लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो सीड्स हासिल होते हैं ना वहाँ से, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते तो ये उन इलाकों के लिए बड़े मौजूद। अब जैसे हाँ अभी जो हमारे पंजाब के जो दोस्त देख रहे होंगे अब वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा हर किसी को अर्निंग से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये उन जो मुतल्लिका लोग हैं वहाँ पे सरमायाकारी भी कर सकते हैं, ताकि उनकी भी माशी हालत जो है ना बेहतर होगी, जो उन इलाकों के अंदर लोग रह रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, जो आपका हम सब का मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना है और इस बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ जो है ना हमने खड़ा होना है। तो इसकी जो फीड है वो जी आसानी से मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह तो मिल मछली जाती है, मंडियों से, कचरा मंडी मछली वगैरह से मंडी यहाँ से पे। हर जगह मिल जाती है। मैं आपको यह तो कह रहा हूँ ये जो अगर किसी के पास कुछ नहीं भी है ना, अगर ये जो चिकन की जो बाकियात मौजूद होती है छिछड़े अंतड़ियाँ वगैरह ये हाँ वो भी खा लेते ये हैं। वो भी खा लेते हैं। तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है? ये तो देखिए हमारे आबाव अजदाद का ताल्लुक था हिंदुस्तान से, तो हम लोग तो बचपन से ही खा रहे हैं। तो आप दिल्ली वाले? नहीं हम लोग हैं बॉम्बे अच्छा, वाले। बॉम्बे वाले। हाँ और हम लोग बॉम्बे में महाराष्ट्रीय ने कोकनी कहलाते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं कोकनी कौन है, तो इसमें डॉक्टर जाकिर नाइक है आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना है। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारी ये रिवायती जो है ना ये हमारे ग़िज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि ये बम्बई से लेके गुजरात से लेके तमिलनाडु तक ये पूरा कोस्टल एरियाज में ये खाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये पहला बैच अभी हाँ शुरू ये किया? पहला पेज है इंशाल्लाह, और मैं बल्कि ये दावा दूंगा आपकी इस वीडियो के तवज्जो से कि शाहिद भाई जो है ना वो आएँ इंशाल्लाह इस चीज़ को कवर करें, और ताकि जो हमारे यहाँ जो ये जो हिडन चीज़ है ना ये भी लोगों के सामने आए। तो ये पाउंड आपने अपनी जगह पे बनाया नहीं या यहाँ पे रेंट ये आउट किया हमारे एक आपने? दो मेरे जो दोस्त हैं वो उनके ज़रिए जो मैंने लिया था। तो ये कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, जी हाँ बिल्कुल ये कंफर्ट कीचड़। फील करते हैं? हाँ बिल्कुल कंफर्ट, जिस तरह हमारी जैसे ही पहले मच्छ थी ना भैंस थी, ये पहले 200 साल पहले जो पंजाब में नहीं खाई जाती, बोलते ये भैंस का पानी का जानवर है, ऐसे मगर इसको हमने अपने गजा का बड़ा आइडियल जगह उसका जुज बना लिया। इसी तरह ये पानी के अंदर ही ज़्यादा खुश रहते हैं, पानी के अंदर ही ब्रीड करते हैं। पानी से बाहर जिंदा रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल रह सकते हैं, कम से कम जैसे हमारे कैट फिश रह जाती है ना 34 आवर्स तक, इस तरह ये भी रह जाती है। तो इसको जिबा करना पड़ता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, जैसे इसको आप बाहर निकाल लें इसके जो अंगड़े होते हैं ना उसको तोड़े जाते हैं बाकायदा। अच्छा हाँ ये जब आप इंशाल्लाह आएंगे ना तो मैं आपको उसको बना के सूप पिलाऊंगा। अच्छा हाँ तो आपके इसका अंगड़े भी तोड़ के दिखाऊंगा और आपको इसका जो है ना वो। अच्छा एक और चीज़ ये याद आई कि ये जो दमे के मरीज़ होते हैं हाँ जी खासकर ये उनके लिए बड़ा मौजू है। अच्छा हाँ यहाँ पे अगर आपके घर में अगर कोई भी दमे का मरीज़ हो या जो क्या कहते हैं अक्सर लागर रहते हैं जो बच्चे और जो बच्चियाँ जो है ना जिनके अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, जो जो बिल्कुल स्किनी होती हैं, तो ये उनको भी पिलाया जाता है, बड़ा मौजू होता है।
तो इसका जायका कैसा है, किससे मिलता जुलता हाँ, है? इसका जायका बैन ही उसी तरह है जिस तरह आपको बटेर के सूप में हासिल होता है, अच्छा, बटेर के सूप की तरह बिल्कुल ऐसे ही इसका बनता सिर्फ सूप ही है? सूप बनता है इसकी। मुख्तलिफ अगर अभी तो बहुत सारे दोस्त हैं ना यूट्यूब के अंदर भरमार मारने वाले सर्च कर करके, तो इसको हम कोकोनट से बनाते हैं, कोकोनट डाल के। हमारे इसके खास इंग्रेडिएंट्स हैं, इंशाल्लाह जब शायद पे आएंगे तो मैं वो भी बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, आपको आप तनावल भी फरमाइएगा और लोगों को भी दिखाइएगा, तो ये बड़ा लजीज होता है खाने में तो 1 केजी में जी। कितने ग्राम निकल आता है? 1 केजी में तकरीबन उसका शेल वगैरह मिला के तकरीबन आप समझे 200-100 ग्राम इस तरह निकलता है, बाकी सारा शेल का वजन है बाकी उसका। सारा शेल का वजन होता है। हाँ बिल्कुल, मगर इंतहाई लजीज होता है और जो लोग खा चुके हैं वो इस बात की तायद भी करेंगे कमेंट्स के अंदर। और एक और चीज़ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, लोग हलाल हराम का जो है ना अब यहाँ पे नीचे वो डालने से पहले ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हलाल है और ये भी पानी की स्पीशी है ओके, तो जी। अपना फोन नंबर देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल देना चाहेंगे। और मैं ये बात देने से पहले ना दरख्वास्त भी करूँगा कि जो भी बात करें ना कम से कम दोपहर को 1 बजे से लेके 6 बजे तक बात करें। तो मेरा ये फ़ोन नंबर है 0323-33-28-160। बहुत मेहरबानी, जी शुक्रिया, जजाकल्ला, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।